जय माता दी होम साईं काल का। जैसा कि आप सबको बताया है, नवंबर 2022 लग चुका है और दिसंबर 2022 में सिद्धपीठ श्री साईं काल का मंदिर सारी जनता के लिए खोल दिया जाने वाला है। आप लोगों को पता है कि मंदिर निर्माण कार्य में आप सबने हम सबकी बहुत ज्यादा मदद की है। जमीन के टाइम में आपने हमारी मदद की थी। एक बार फिर से इस लाडली बेटी को आप सबकी आवश्यकता आन पड़ी है। हमारे पास सिर्फ ये आखिरी महीना बचा है तो सब बच्चों से सहयोग की आवश्यकता है। आप सब बच्चे जल्दी से जल्दी माँ के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी। परिवार में किसी की कीड़े पड़ के मौत हुई थी, ऊपर आके कुछ क्या हुई? बाद में आते हो फिर बाबू के, माता जी हमें याद नहीं रहा था, माता जी ये अभी दिन में पुकार पड़ी है, बहुत बच्चे आगे वापस चले गए, फिर बाद में कह रहे मैं बाद में समझ में आया। मैंने बताया था आपको कि गुरु बनाया हुआ था तो उन्होंने पैसे के लिए बात की थी, नहीं उन्होंने जैसे तबीयत के लिए मैंने बोला कि भाई तबीयत मेरी खांसी ज़्यादा हो रही थी, तो वो कह रहे कि क्या हुआ, मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है गुरु जी, तो वो कह रहे थे कि भी मतलब अपना वो जो उपाय वगैरह वो करते नहीं हो क्या? तो मैंने कहा नहीं मैम, मेरी जो हाजिरी वाला सिस्टम है ना वो अलग है, वो आप वो उनको समझ नहीं आता मैम, और हाजिरी वाला सिस्टम वो करते हैं, तो फिर उन्होंने आगे फिर कुछ बोला नहीं, इस तरीके से बात होती है। ओम नमः शिवाय का जाप करती थी पहले माँ, दोनों करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप चार लोगों को, वैसे भी शिवरात्रि आ रही है, अब तो करना ही करना है, ठीक है ना? और कुछ नहीं है, बस घर में जब कभी ऐसा हो ना बेटा, वहाँ चक्रवर्ती जला दिया करो, साईनाथ महाराज का नाम लेकर और काल का मंत्र, ठीक रहोगे। हाँ बाबू दिखाओ, रुको दीदी रुको दीदी, दीदी तो आपका हो गया और कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं था बाबू क्यों?